मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में खूंखार तेंदुए ने एक युवक पर हमला किया और उसे खींचकर जंगल में ले गया, जहां उसने युवक को मारकर खा लिया। देर रात तक युवक घर तक नहीं पहुंचा तो परिजनों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गांव के आसपास के खेतों में खोजबीन शुरू कर दी। कुछ देर बाद गन्ने के खेत में तेंदुआ होने की आहट महसूस की। पुलिस हवाई फायर कर तेंदुए को भगाया। इसके बाद अंदर जाकर देखा तो युवक का छत विछत शव पड़ा था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल था। इसके साथ ही वन विभाग के प्रति भी गुस्सा था। ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के नया गांव बहादुर नगर में मजदूर मोहम्मद यामीन का पुत्र सुहेल अहमद गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ता है। वह बृहस्पतिवार को शाम 7:30 बजे घर से दुकान पर कुछ सामान लेने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता होने लगी। उन्होंने आसपास गांव में ढूंढा तो घर से चंद कदम की दूरी पर खून पड़ा था, जिससे परिजनों ने डायल 100 पुलिस को सूचना देकर बुलाया। इस बीच ग्रामीणों ने गांव के आसपास तेंदुए के पंजे देखे। पुलिस और ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी से पंजों का पीछा किया तो निशान गांव के पास एक खेत में जाकर रुक गए। इस बीच ग्रामीणों ने तेंदुए के घुर्राने की आवाज भी सुनी। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायर कर तेंदुए को भगाया। बाद में पुलिस ने खेत में तलाशी अभियान चलाया तो बीच खेत में सुहेल का शव पड़ा मिला। उसकी गर्दन गंभीर जख्म है। इसके साथ ही पेट के निचले हिस्से को भी तेंदुए ने खाया हुआ था। इससे साफ है कि तेंदुआ गांव से सुहेल को उठाकर ले गया था, ईख में ले जाकर मारकर मांस खाने लगा। पुलिस के फायर करने पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगातार तेंदुए के हमले की सूचना के बाद वन विभाग हरकत में नहीं आया। इसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। गांव में 6:30 बजे सुबह को तेंदुआ बढ़ गया राजपाल नेताजी के घर पे। जब हमने वन विभाग वालों को फोन करा तो हमारी किसी ने किसी फोन करते हैं तो पहली बात उठाते नहीं, उठा लेते हैं तो बाद में कहते हैं हम क्या करें। अच्छा, यानी अगर वन विभाग बिल्कुल बचता है, क्योंकि हम आज कल 8 दिन से फोन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पार्ले में नया गाँव में समय 8 दिन तक घूम रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा बच्चा इधर गया होता है चक्की पे आटा लेने में, उसे शेर ने दाब लिया घर के पास ही, उसे खींचते हुए ले गया जंगल में ईख में, उसे खा लिया। खा के गाँव वालों ने जब उस लड़के ने घर वालों ने उसकी ढूंढ भाल करी तो वो लड़का मिला। फिर वन विभाग वालों को फोन करा, अब तक वन विभाग वाला कोई नहीं आया। पोस्टमार्टम के लड़के की लाश भी चली गई है, पुलिस वाले ले गए उस लाश को। कुछ भी आश्वासन नहीं, अभी कोई नहीं आया। अभी कितनी डील है, परसों पार्टले में आ गया, एक के घर बढ़ गया, पिंजरा लेकर आ गई थी परसों से, अभी तक पिंजरा लेकर नहीं आया। कल से कोई 7 बजे कल रात के 8 दिन से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आज पिंजरे भेजा उन्होंने, इस पिंजरे से क्या हो रहा, मेरे लड़के की तो गई जिंदगी। कौन जिम्मेदार है इसका? यही है वन विभाग वाले। पिंजरे आ गया वन विभाग, तकलीफ हो रही थी, आटा लेने गया था चक्की पे से। उसके बाद में हमने देखा, बहुत ढूंढा गाँव में, ढूंढने के बाद में देखा चप्पल मिली इसकी। अब ये देखा खून, देखा उसका तो खून देखने के बाद में वो देखा उसका गन्ने में मिला बॉडी। और ये बता रहे हैं कि शाम को 7:30 में बच्चा गई चक्की भी जा रहा था वहाँ पर, तो रास्ते में इसे तेंदुए मिल गया, वो इसे पकड़ के ले गया। गांव वालों को ये नहीं मालूम कि तेंदुए ले गया उस समय तक। उसको फिर वो ढूंढते रहे तब इसके पग मार्ग देखे, पग चिन्ह देख के तब ये इसी गन्ने खेत में आए। लापरवाही तो किसी की नहीं, लापरवाही किसकी है इसमें भाई? लापरवाही ये है कि आदमी को निकलना नहीं चाहिए, जानवर है, जंगली जानवर तो रह गई। वन विभाग को लगातार ग्रामीणों ने इस प्रकरण की सूचना कहाँ दी? सुबह पता लगी है, तब से बराबर प्रशासन से बात हुई है। किस तरह की मदद दी जाएगी इस परिवार? किस मदद दी जाएगी इस बारे में जानकारी तरह के हाथ से हो तो ऐसे कैसे पता लग जाएगा भाई? कहीं जब कहीं ट्रेस होगा तभी वहीं पहुँचा जाएगा। अब उन्हें किसी ने पार्ट लगा दिया, किसी ने वहाँ कह दिया शेरपुर बहरी, ऐसा पिंजड़ा लगाया जा सकता है और कोई इसका बोझ नहीं है। कितने पिंजरे हैं हमारे यहाँ? एक पिंजड़ा है बस। इतनी बड़ी तहसील में एक पिंजड़ा, पूरे मुरादाबाद में एक पिंजड़ा।